जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर में आम नागरिक अभिभावक संघ की बैठक पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें जयनगर के प्राइवेट स्कूल और संत जेवियर सिंगलिस हाई स्कूल के द्वारा लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बाद भी छात्रों से जबरन फीस वसूला जा रहा है और आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है, इसके विरोध में जयनगर नगर पंचायत में अनुरंजन सिंह के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैलाश पासवान, राम विनोद सिंह, प्रदीप प्रभाकर, इद्रीश मंसूरी, रामचंद्र साह, भूषण सिंह, शिवशंकर ठाकुर, उद्धव कुंवर, शशि भूषण साह, राजकुमार साह, अभिषेक कुमार, राणा प्रताप सिंह जी, शिवमनोज सिन्हा, सचिन चौधरी, त्रिषि सिंह, जहांगीर हासमी, रामचंद्र पासवान, सुमित कर्ण, नित्यानंद झा आदि साथी उपस्थित थे, जिसमें विभिन्न बिंदुओं में चर्चा किया। संत जेवियर सिंगलिस हाईस्कूल सहित सभी स्कूलों में कोरोना काल की फीस उगाही बंद किया जाए। संत जेवियर सिंगलिस हाई स्कूल के द्वारा जनप्रतिनिधि, आम नागरिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले की मान्यता रद्द किया जाए। संत जेवियर सिंगलिस हाई स्कूल के साथ सभी प्राइवेट स्कूल सालाना फीस बहुतरी बंद करे, साथ ही एनसीईआरटी की किताब की पाई हो। ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रचार प्रसार कर स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन देना। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 17 सदस्य कमेटी गठित किया गया है। मधुबनी तथा आसपास की खबरों की जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हमने उन लोगों के काले पर हम भी चले गए, साथ में हमारे गार्जियन तेरा विनोद सिंह जी, राजकुमार जी, हम भी गए। संत जेवियर्स स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय में जो ही हम लोग चार पाँच साथी करीब सात आठ आदमी थे, चार कुर्सी लगा हुआ, जो हम लोग गए चार बैठे, इसका अगर भागो 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 निकलो निकलो निकलो, माने इस तरीका का बर्ताव किया जो आज तक अपने जीवन में न देखे न, माने बहुत ही गलत व्यवहार किया, जो एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमसे उसको बहुत जान पहचान, हमको खुद वह जानता है कितने बार हमने गए हैं। और एक दल के सम्मानित अध्यक्ष भी था राजकुमार सिंह जी, हमारे पुराने अध्यक्ष राम विनोद सिंह जी भी। हम लोग ने अपनी बात को रखे कि आप सुने, पहले जाकर हमने उनके कार्यालय में बैठे उनसे पूरा जानकारी ली, काने हंड्रेड में हंड्रेड लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चार तीन महीना का लेते हैं। उसके बाद हमने बात करना चालू किया था, कहने हम कुछ माफ़ नहीं करें, ठीक है 4,000 5,000 10,000 रुपया कोई आता है हम छोड़ देते हैं, लेकिन लेवे करें। इस सवाल पर हमारे जदयू का कुछ नेता जो थे उससे उलझ गए कि आप पहले निकलने की भाषा को वापस लीजिए, काफ़ी और डिस्कस। उसका मैडम जो है वो जा रहा है अंग्रेज, अंग्रेज पक्का अंग्रेज है, एजुकेशन से उसको ज्ञान नहीं, कैसे वो छात्र जीवन में छात्र को माने शिक्षा देता है। एक आदमी को सम्मान करना नहीं जो जानता है, वो अपने बच्चा को किस कदर से पढ़ाता होगा, ये तो बहुत ही दुखनीय बात है। पहले तो अपने आप को चिन्हिए और आदमी को सम्मान देना सीखिए, तभी आप बच्चा को सम्मान दीजिएगा। वह तो मद्रास का है और जयनगर में हम तो वह स्थिति देखे कि उसके तन पे कपड़ा नहीं था, जिस समय वह यहाँ पर स्कूल रखे था कस्टम था, उसको तन पे कपड़ा नहीं था। हम कस्टम में अभी भी सी एच ए का काम भले चेयरमैन अभी भी करते हैं और वहाँ भी थे, और वो आदमी जयनगर में पैसा का लूट के आज माने क्या से क्या बन गया, लेकिन जयनगर के आदमी को सम्मान देना ना सीख। सबसे बड़ी बात है कि यह लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, एक राजनीतिक दल के माध्यम से यह लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। ये हम सबसे पहले एक संघ अभिभावक संघ बना लिया, जो संघ बनाइए यह लड़ाई पूरे जयनगर के प्राइवेट स्कूलों के मामला में एक संत जेवियर्स तो है ही, यह सबसे काला कानून वो चलाता है संत जेवियर्स स्कूल, वो अंग्रेज का शासन जयनगर में चलाता है शिक्षा के नाम पे। हमें सभी आदमी को कहेंगे कि लड़ाई लड़िए, भूषण जी बोले हैं सबसे पहले उनके खिलाफ एक डीजे एक हॉर्न बना के पूरे जयनगर अभिभावक को बुलाइए उनके खिलाफ में। और जब कोरोना काल में सरकार का कहावत है जब हम वर्क नहीं करेंगे तो कौन चीज़ का पैसा लेंगे, जो मजदूरी मजदूरी नहीं करता है तब पैसा दीजिएगा। आज प्राइवेट स्कूल का मामला लीजिए, दुकान को लीजिए, जो नौकर काम नहीं किया है कोई भी आदमी उसको वेतन नहीं दिया है, कोई दिया है? आप बस बंद करके रखा है तो उसका यात्रा भत्ता कोई दिया है? हम लोग भी प्राइवेट गाड़ी लिए हुए हैं तो अपना गवर्नमेंट का जो टैक्स बनता है वो देते हैं, आप क्यों जनता से पैसा उछलिएगा बंद काल? ये हमारे बताए हैं कि कम से कम इतना करोड़ रुपए का उगाही करेगा। तो हम सबसे पहले एक सारे गार्जियन को आग्रह कीजिए कि कोरोना काल का आप लोग अपने अपने बच्चा का फीस देना नहीं दें, और ख़ास करके संत जेवियर्स स्कूल में अपने अपने बच्चों को पढ़ाई भी बंद करें।
आप जयनगर में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, जब तक उसको टॉर्चर जैसे हमारे बाल बच्चा को टॉर्चर करता है वैसे जब तक हम अभिभावक उसको टॉर्चर नहीं करेंगे जब तक वो रास्ता पर नहीं आए। रास्ता पर लाने के लिए संजय स्कूल के आगे में पंडाल लगा के और एक दिन का जो मांग पत्र उन्होंने भूषण जी बहुत अच्छा से सारे बात को रखे हैं, सारा बिंदु को आप लोग पेपर में टाइप कीजिए, सबसे बड़ा पदाधिकारी और मंडल पदा उनको सारे विभाग को अधिकार दिया गया। हम लोग डीएम साहब के नाम से पत्र बनावे, प्रतिलिपि एसडीओ साहब को दीजिए, एक प्रतिलिपि उस स्कूल को सारे स्कूल को आप दीजिए कि आप लोग कोरोना काल का गाइडलाइन का फॉलो कीजिए और उस आधार पे यदि आप लड़ाई लड़िएगा। यह लड़ाई माने आगे का नहीं है, एक संघ बना के जब जब प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चा को शोषण करता है आप इस संघ के माध्यम से आप लड़ाई निश्चित रूप से लड़िए, माने पूरे माने गठन कीजिए और उस बैनर तले को समाप्त मत कीजिए। आज हम रहे न रहे ये दल बनाइएगा संगठन बनाए तो कोई ना कोई आएगा, भूषण जी रहे न रहे जब एक संघ बनता है तो आने जाने वाले का तांता लगा रहता है। अच्छा काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आज एक चर्चा का विषय बना है कि जयनगर में शिक्षा पर सभी दल सभी अभिभावक एक हुए हैं, तो हम आग्रह करेंगे चूँकि राजनीतिक दल में हम लोग हैं, हम लोगों दल से ऊपर से भी खबर आएगा कि आप लोग सरकार में आप लोग क्यों इसका विरोध करते हैं, सरकार की बदनामी होगी। तो हम एक आग्रह करेंगे कि एक बैनर तले अभिभावक संघ या जो संघ हो उस माध्यम से आप लड़ाई लड़िए और आप लोग लड़ाई लड़िएगा जब तक हम जयनगर में हम लोग जब तक हैं, हम चेयरमैन रहे न रहे एक तो गार्जियन के रूप